हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेल्कम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एडियाबेटिक प्रोसेस स्टडी किया था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्कडन हमने कैलकुलेट किया था, और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि होपफुली शायद आपने उसके बारे में सोचा हो। चलिए अब हम पहले चैप्टर को, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले कि यहाँ पे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो डेल्टा यू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस में बात करें, इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो डेल्टा यू क्या होगा, डब्ल्यू के बराबर। इफ डब्ल्यू पॉजिटिव, डेल्टा यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यह बात आपको ही बताया था पहले भी कि यहां पर डेल्टा यू पॉजिटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव होने का मीन्स क्या है, कंप्रेशन। सो इन एडियाबेटिक कंप्रेशन, अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो W क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा U कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होने का मीन्स क्या है, इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज हो रहा था। हम क्या बोलेंगे, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा एंड टेम्परेचर ऑफ गैस और सिस्टम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट, राइट। सेकंड हम बात करें यहां पे, अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो W क्या हो, सॉरी एडियाबेटिक एक्सपांशन है, W कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव होने का मीन्स क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होना। तो हम क्या बोलेंगे, इन एडियाबेटिक एक्सपांशन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज कूलिंग इफेक्ट, राइट। तो यहां पे इसको हीटिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, कंप्रेशन को, एडियाबेटिक कंप्रेशन को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, एडियाबेटिक एक्सपांशन को कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। एडियाबेटिक कंप्रेशन में फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होता है और एडियाबेटिक एक्सपांशन में फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन में T2 का वैल्यू क्या होगा, T1 के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे हीटिंग हो रहा है और यहाँ कूलिंग हो रहा है, मीन्स एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे, T2 का वैल्यू T1 से कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि क्यू क्या है, जीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है, तो अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो सिस्टम की गैस को अपना एनर्जी यूज में लेना पड़ रहा है एक्सपांड होने के लिए, एनर्जी अपनी लॉस करनी पड़ रही है एक्सपांड होने के लिए, तो गैस की खुद की एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। एडियाबेटिक कंप्रेशन में, तो ये हमने एक्सपांशन के लिए बोला, अगर हम एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें तो गैस को आप कंप्रेस करते हो, आप गैस को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, गैस को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वहां पर इंक्रीज होगा। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, और एडियाबेटिक एक्सपांशन कूलिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लास्ट जो हमने बताया था कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो उनका वर्क डन का फॉर्मूला था वो लगभग लगभग दिखने में क्या था, सिमिलर था। यहाँ पे डेल्टा यू क्या था, डब्ल्यू ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ इरिवर्सिबल, राइट। अब अगर हम यहाँ पर सपोज बात करें कि हमने दो स्टेट है ए और बी, इनको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पास के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हम यहां पर प्रोसीड करा रहे हैं। तो अगर हम ए से बी की बात करें, तो यहां पर ए से बी में जब आप जाएंगे तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों के लिए सिमिलर है, तो हम क्या बोलते हैं कि जनरली हम क्या बोलते हैं कि अगर दो इनिशियल और फाइनल स्टेट दो डिफरेंट पाथ से जुड़ी हुई है, तो बिकॉज उनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिमिलर है तो स्टेट फंक्शन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ की बात करें तो उसमें
अगर आप ऐसा सोचिए कि अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज वर्क क्या है, दोनों का पार्ट डिफरेंट है, तो वर्क क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप ए से बी जा रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ से, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल और W irreversible दोनों क्या होगा, different different होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो formula दिखने में similar होते हुए भी इनके दोनों के work done क्या है, different है, because work क्या होता है, part function होता है। अब internal energy भी क्या है यहाँ पे, work के बराबर है, तो अगर दोनों के work similar नहीं है तो internal energy change भी क्या होगा, दोनों का similar होगा, तो delta U reversible delta U irreversible के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम क्या बोलते हैं, अगर इनिशियल फाइनल पोजीशन सिमिलर है तो आप किसी भी रास्ते से जाओ, किसी भी पाथ को पकड़ो, आपका स्टेट फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, चेंज इन स्टेट फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। बट यहाँ पर दोनों का, अगर आप ए और बी से जाते हैं तो दोनों का वर्क क्या है, डिफरेंट है, दोनों का वर्क डिफरेंट है, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। आप यहाँ से ए से बी तक जाना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे आप अगर इंटरनल एनर्जी डब्ल्यू का कोई बात है, डब्ल्यू डिफरेंट है, तो इनका इनिशियल और फाइनल पोजिशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, इनका स्टेट फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डिफरेंट होने की वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब अगर हम यहाँ वर्क को कंपेयर करें तो वर्क का कंपेरिजन हम सिमिलर वैसे ही करेंगे जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कंपेरिजन करना है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो यहाँ पर आप सिंपल सा ऐसा समझ लीजिए कि जो एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क का कंपेरिजन है वो सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस ही है। बिल्कुल ये ध्यान रखें कि जब आप कंपेरिजन करेंगे प्रोसेस का, एक्सपांशन में वर्क डन का कंपेरिजन करेंगे या कंप्रेशन में वर्क डन का कंपेरिजन करेंगे, तो वो कंपेरिजन सिमिलर वैसा ही होता है कि जैसा यहाँ पर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं एक रफली आपको आइडिया दूं, वापस से रिमाइंड कराऊं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हमने एक्सपांशन किया था तो ये वर्क डन मिला था, और जब ये तो था रिवर्सिबल प्रोसेस में, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब हमने एक्सपांशन किया था तो ये आपको वर्क डन मिला था। तो वहां पे वर्क डन किसका ज्यादा था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो यहाँ पे भी वर्क डन किसका ज्यादा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का कंपेयर टू इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ रिवर्सिबल हम किस में कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपांशन, W of reversible expansion, अगर हम magnitude, because work done तो क्या होगा, अगर system के through हो रहा है तो work done कैसा होगा, negative, तो ये work done negative था, but magnitude wise जब हमने comparison किया तो किसका work done ज्यादा था, reversible process का। तो reversible adiabatic expansion का work done किससे ज्यादा होगा, irreversible adiabatic expansion से। क्लियर। अब हमें पता है डेल्टा U किसके इक्वल है, W के इक्वल, राइट, डेल्टा U किसके इक्वल है, W के इक्वल। तो जिसका वर्क डन ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसका डेल्टा U भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। अब यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, सिस्टम के थ्रू हो रहा है, तो सिस्टम का वर्क कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का भी क्या होगा, लॉस होगा। पॉइंट लिख लीजिए, इन एडियाबेटिक एक्सपांशन वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। डेल्टा U कैसा होगा, यहाँ पे अगर W नेगेटिव है तो डेल्टा U भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जिसका वर्क डन ज्यादा है उसका विद साइन वर्क मोर नेगेटिव होगा। सपोज हम बात करें रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, सपोज 50 जूल का वर्क है और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में सपोज 30 जूल का वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा है, बट विद साइन किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे इरिवर्सिबल का। ठीक है, बट हम यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड वाइज ही कंपेयर करें तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देख पा रहे हैं कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा है, तो किसकी एनर्जी का ज्यादा लॉस हो रहा होगा, सिस्टम की एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा होगा। सिस्टम की एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है तो जितना ज्यादा लॉस हो रहा होगा वर्क की वजह से, उतना ही इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी का लॉस हो गया तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल के रेस्पेक्ट में क्या होगी, कम। डेल्टा यू क्या होता है, यू टू माइनस यू वन, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम होगी। तो जितना ज्यादा वर्क हो रहा होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी का वैल्यू उतना ही कम होगा। मोर द वर्क डन बाय सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस द स्मॉलर द फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो जितना ज्यादा वर्क प्रोसेस में हो रहा होगा
गैस के थ्रू उतना ही इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। इस पॉइंट को आप बार बार इसको रिवाइंड करके बार बार सुनिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो सिस्टम जितना ज्यादा वर्क करेगा उसकी एनर्जी का लॉस उतना ही ज्यादा होगा और उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे फाइनल इंटरनल एनर्जी जितनी कम होती जाएगी उसकी डेल्टा यू का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूं कि सपोज इनिशियल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की थी सपोज 100 जूल, अब हम रिवर्सिबल के थ्रू गए एंड इरिवर्सिबल के थ्रू गए, ठीक है। सपोज यहां पे कुछ वर्क डन हुआ, सपोज यहां पे वर्क डन 50 जूल का वर्क डन हुआ, यहां पे 30 जूल का वर्क डन हुआ, तो वर्क डन यहां पे किसके थ्रू हो रहा है, सिस्टम के थ्रू। तो सिस्टम की 50 जूल एनर्जी खत्म हो गई तो बची हुई एनर्जी कितनी है, 50 जूल ही बची ना, राइट। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 50 जूल, राइट। यहां पे 30 जूल का एनर्जी वेस्ट हुआ तो बचा कितना यहां पे 70 जूल, तो यहां पे वर्क डन माइनस 30 था तो डेल्टा यू कितना हुआ माइनस 30, तो यहां पे डेल्टा यू कितना मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल मींस माइनस 30। अब आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा यू, अगर मैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन को कंपेयर करूं, डेल्टा यू ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन दोनों में से डेल्टा यू किसका ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज डेफिनेटली किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन का, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा यू क्या बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी का लॉस किसमें ज्यादा हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी किसकी कम है, यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस की है इरिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो जिसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कम होगी उसका फाइनल टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 100 इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा, तो फाइनल टेम्परेचर किसका आपको कम मिलेगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, डेफिनेटली रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर T2 ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन विल बी लेस देन T2 ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम बाकी जो प्रोसेस है, बाकी जो कंपेरिजन है वो आइडल गैस के बेसिस पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में से फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन में। अगर मैं यहाँ पे सेम प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को कंपेयर करूं तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका फाइनल वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा। तो V2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन विल बी लेस देन V2 ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। ये होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, अगर प्रेशर सेम रखा है तो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हम प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा। तो आप क्या बोल सकते हैं, P2 ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन इज लेस देन P2 ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो होपफुली आप ये दोनों चीजें सभी चीजें समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड कंपेयर करते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन को। तो यहाँ पे भी वर्क का कंपेरिजन सिमिलर वैसा ही है जैसे हमने यहाँ पे आइसोथर्मल में कंपेयर किया था। तो अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन का अगर आपको वर्क डन पता हो तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ था और ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दिस इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन का। मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, आप चाहे तो अपने नोट्स को पीछे पेज पलट के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन देखा था कि वर्क डन किसका ज्यादा था, यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा था। तो अब आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, तो जैसा यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में कंपैरिजन था वैसा ही सिमिलर कंपैरिजन यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में भी होगा। बट हम एडियाबेटिक प्रोसेस में बात करें डेल्टा यू क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। तो क्यू क्या था यहाँ पर, जीरो। तो हम कंप्रेशन की बात करें तो वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट, राइट। तो कंप्रेशन में हम क्या करें, एनर्जी सप्लाई करें, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इजिली हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर हम मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, अच्छा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो W पॉजिटिव है तो आप मैग्नीट्यूड लें या ना लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही बात हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में बोली थी कि जब आप कंप्रेस करें तो आप मैग्नीट्यूड लो या ना लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें तो W ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन
एंड डब्ल्यू ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, किसका वर्कडन ज्यादा होगा? डेफिनेटली इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्कडन ज्यादा है। इरिवर्स जिसका वर्कडन ज्यादा होगा उसने ज्यादा एनर्जी सप्लाई की, ज्यादा एनर्जी सप्लाई की तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सपोज इंटरनल एनर्जी सपोज 100 जूल थी, U1 सपोज 100 जूल थी, आप रिवर्सिबल प्रोसेस से गए एंड आप इरिवर्सिबल प्रोसेस से गए, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्कडन क्या होगा? ज्यादा होगा। सपोज इसका W 70 जूल है और इसका W सपोज 30 जूल है, ठीक है, इसका वर्कडन ज्यादा इसका वर्कडन कम है। तो आपने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 100 जूल दिया, आपने 70 जूल का वर्कडन किया तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 170 जूल। यहाँ पर फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 130 जूल। डेल्टा यू यहाँ पर कितना होगा? प्लस 30। यहाँ पर डेल्टा यू कितना होगा? प्लस 70। तो जहां पे वर्कडन ज्यादा है वहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं डेल्टा यू रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन और डेल्टा यू इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, किसमें ज्यादा होगा? यहाँ पे डेफिनेटली इरिवर्सिबल में इंटरनल एनर्जी चेंज ज्यादा होगा। फाइनल इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो भी किसमें ज्यादा होगा? यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड लें या ना लें, बिकॉज ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड लेने या ना लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में भी वैल्यू वही होगी जो विद साइन आपको वैल्यू मिलेगी। तो जिसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका फाइनल इंटरनल एनर्जी इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन का जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। जिसका फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा है उसका फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो T2 ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन विल बी ग्रेटर देन T2 ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, राइट। जिसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है उसका फाइनल प्रेशर क्या होगा? सेम वॉल्यूम पर, सेम वॉल्यूम के लिए अगर हम कंपेयर करें तो अगर दोनों का वॉल्यूम सिमिलर है तो दोनों का वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका फाइनल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो P2 ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होगा? P2 ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन से क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर आप यहाँ पे सेम प्रेशर को रख के कंपेयर कर रहे हैं, अगर सेम प्रेशर है तो यहाँ पे जिसका प्रेशर जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन विल बी ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इस तरीके से आपको चीजों को सोच के समझना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पे सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं तो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वर्क से, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी कैसा होगा? वो इंक्रीज होगा तो डेल्टा यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इनिशियल 100 था तो फाइनल कितना होगा? अगर 30 जूल का वर्क हुआ तो 130, यहाँ पर 70 जूल का वर्क हुआ तो 170। तो वर्क का कंपैरिजन आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस में किया है सिमिलरली आप वर्क का यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस सॉरी एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों में ही आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वर्क का कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, डेल्टा यू का कंपैरिजन क्या होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी किसमें ज्यादा होगा। ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बना के भी पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर हमें यहाँ पर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यस, देखिए कंपेयर हम क्या करेंगे, दोनों को सिमिलर उनका दोनों का एक सिमिलर क्राइटेरिया होगा तो ही हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का और आइसोथर्मल प्रोसेस का और एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे ग्राफ की बात करेंगे कि अगर आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो उसका स्लोप क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पे दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो फर्स्ट हम आइसोथर्मल के लिए बात करें, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कौन से ग्राफ में? हम पीवी ग्राफ में बात कर रहे हैं। तो हमें पता है पीवी आइसोथर्मल प्रोसेस मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी क्या होता है यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, उसको हम के बराबर ले लेते हैं। तो पी क्या होगा यहाँ पे, के अपॉन वी के इक्वल। अब स्लोप क्या होगा प्रेशर वॉल्यूम में, डीपी अपॉन डीवी। तो यहाँ पे डीपी अपॉन डीवी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डीपी अपॉन डीवी क्या होगा यहाँ पे माइनस के इंटू वी पावर कितना हो जाएगा -1 -1, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू डिफरेंशिएशन डेफिनेटली आपको आता होगा माइनस के अपॉन वी स्क्वायर। तो के किसके बराबर है यहाँ पे, पीवी के बराबर। तो के को अगर आप पीवी पुट कर दें तो क्या होगा माइनस पी इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर। तो डीपी अपॉन डीवी क्या होगा
माइनस पी एफ ऑन वी, तो ये आपको मिल जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप मिलेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ एडिया, यहाँ पे जो हम बात करें वो केवल रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल, ये भी आपको यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि स्लोप वहां पे आएगा जहां पे प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा हो, जहां पे फास्ट वर्क डन फास्ट हो रहा हो, प्रोसेस काफी फास्ट हो, वहां पे स्लोप तो आएगा नहीं क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट पोजीशंस आपको मिलेगा नहीं। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें ही इंटरमीडिएट पोजीशंस मिलेगी, इंटरमीडिएट स्टेप्स मिलेगी और वहीं पर हम स्लोप की बात करेंगे। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी गामा कॉन्स्टेंट था के बराबर, तो यहाँ पर P को आप क्या लिख सकते हैं K upon V power gamma, तो ये क्या है यहाँ पे स्लोप है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे आप स्लोप की बात करें तो क्या होगा dP upon dV को क्या ले लेंगे माइनस गामा K into V माइनस गामा माइनस वन, राइट। तो यहाँ पे K का वैल्यू पुट कीजिए, सो dP upon dV will be equal to minus gamma, k का वैल्यू कितना है pv gamma into v power minus gamma minus 1, तो plus gamma minus 1 cancel out हो जाएगा, तो dp upon dv will be equal to minus gamma into pv power minus 1, so dp upon dv equal to minus gamma into p upon v, this is the slope of रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर पीवी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आपको स्लोप मिलेगा। अब आप दोनों के स्लोप को कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों का स्लोप क्या है यहाँ पे नेगेटिव ही है, दोनों का स्लोप क्या है बिकॉज माइनस आ रहा है तो दोनों का स्लोप क्या है नेगेटिव है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे गामा आ रहा है और हमें गामा पता है कि क्या होता है ग्रेटर देन वन होता है एंड पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन वन वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज मोर नेगेटिव देन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम यहां पे कंपेयर कर सकते हैं टेम्परेचर के बेसिस पर, उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करके कंपेयर करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम कंपेरिजन देखते हैं यहां पर एक्सपांशन प्रोसेस का रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में आप कैसे कंपेयर करें कि किसका वर्क डन ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करें, पीवी डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हमें पता है कि यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कुछ P1 था, यहाँ पे इधर इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम कुछ V1 जो भी यहाँ पर है वो हम पुट कर देते हैं। अब हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है, तो आइसोथर्मल का TI हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी T1 ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड T2 of isothermal process, ये दोनों आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है, because isothermal process में temperature constant रहता है, तो T1 of isothermal process will be equal to T2 of isothermal process, ठीक है, initial final temperature isothermal में सिमिलर रहता है। अब हम क्या करते हैं adiabatic process से सेम फाइनल वॉल्यूम को गेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर फाइनल वॉल्यूम दोनों का सिमिलर हो तो यहाँ पर किसका वर्क डन ज्यादा होगा adiabatic का वर्क डन ज्यादा होगा या आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा। अब हमें पता है यहाँ पे आइसोथर्मल हमने एक्सपांशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, तो हम एडियाबेटिक एक्सपांशन को कंपेयर करते हैं, तो जब एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा तो हमें पता है एडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होगा Q0 होगा, तो डेल्टा Q किसके बराबर होगा W के बराबर, राइट। रिवर्सिबल एक्सपांशन की हम बात करेंगे तो जब एक्सपांशन होगा तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव, तो डेल्टा यू भी क्या होगा नेगेटिव होगा, डेल्टा यू अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन में फाइनल टेम्परेचर T2 ऑफ एडियाबेटिक एक्सपांशन इज लेस देन T1 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होता है कम हो जाता है। जब एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है तो सिस्टम को अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, गैस अपनी एनर्जी से पिस्टन को उठाती है तो गैस का एनर्जी लॉस होगा, वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी क्या होगा नेगेटिव, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी टेम्परेचर भी क्या हो गया फाइनल इनिशियल के रेस्पेक्ट में कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या था कॉन्स्टेंट था, तो हम दोनों में इनिशियल
सेम पोजीशन से स्टार्ट किया, दोनों में सिमिलर टेम्परेचर से हमने स्टार्ट किया है, तो सिमिलर टेम्परेचर से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरह का मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं T1 ऑफ आइसोथर्मल इनिशियल दोनों का टेम्परेचर सिमिलर था, तो अगर मैं T2 ऑफ एडियाबेटिक को कंपेयर करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि बिकॉज इसमें तो टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आया, बट जब एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं T2 ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन T2 ऑफ एडियाबेटिक, की जो फाइनल टेम्परेचर है आइसोथर्मल का वो तो कॉन्स्टेंट रहा है शुरू से लास्ट तक, बट एडियाबेटिक एक्सपांशन में अपनी खुद की एनर्जी लॉस होने की वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर एडियाबेटिक का इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं कि फाइनल आइसोथर्मल प्रोसेस का जो टेम्परेचर है उससे भी कम रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमें ये पता चला कि फाइनल टेम्परेचर एडियाबेटिक प्रोसेस का यहाँ पे कम होगा, तो हम क्या करते हैं दोनों के लिए सेम वॉल्यूम को कंपेरिजन कर देते हैं। अभी हम क्या करना चाहते हैं, अगर दोनों को यहाँ पर सेम वॉल्यूम तक हम एक्सपांड करेंगे तो वॉल्यूम सेम हमने एक्सपांड करना है, तो हम क्या बोलते हैं PV इक्वल टू NRT, हमें दोनों का वॉल्यूम फाइनल सिमिलर रखना है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा यहाँ पर टेम्परेचर पर, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा यहाँ पे आइसोथर्मल का, तो जो फाइनल प्रेशर है वो किसका ज्यादा होगा यहाँ पर P2 ऑफ आइसोथर्मल का P2 ऑफ एडियाबेटिक से ज्यादा होना चाहिए। राइट, ये समझ पा रहे हैं क्या? राइट, अब अगर आप ये ग्राफ समझ पा रहे हैं कि जिसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका ही फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नीचे वाला ग्राफ है वो किसका होगा एडियाबेटिक का होगा, और ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन का होगा। कौन सा, वो भी कौन सा, रिवर्सिबल, और ये कौन सा होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन का ग्राफ होगा। ठीक है, अब आपको पीवी डायग्राम मिल गया, अगर पीवी डायग्राम मिल गया तो उसमें एरिया अंडर द कर्व से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, तो वर्क डन आप देखिए किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा, डेफिनेटली ऊपर वाले का, तो हम क्या बोल सकते हैं वर्क ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन मैग्नीट्यूड वाइज किसका ज्यादा होगा, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। होपफुली ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर यहां पे T2 ज्यादा है तो किसका फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा, P2 ऑफ आइसोथर्मल विल बी ग्रेटर देन P2 ऑफ एडियाबेटिक, तो किसका फाइनल प्रेशर ज्यादा होना है यहां पर, ये कंडीशन कब है, सेम वॉल्यूम रखते हुए हमने कंपेयर किया है, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सिमिलर है तो जिसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है उसका फाइनल प्रेशर ज्यादा है, यही हम सेम प्रेशर रखते हुए भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों का प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका फाइनल वॉल्यूम भी ज्यादा, तो V2 ऑफ आइसोथर्मल विल बी ग्रेटर देन V2 ऑफ एडियाबेटिक। तो ये चारों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे कंपेरिजन के लिए मेन जो पॉइंट लिया है वो टेम्परेचर से लिया है कि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस उसमें फाइनल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना है, इनिशियल फाइनल सिमिलर रहना है, बट एडियाबेटिक एक्सपांशन में सिस्टम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा एडियाबेटिक का फाइनल टेम्परेचर आइसोथर्मल से कम रहने वाला है। तो अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर अगर हम सेम वॉल्यूम रखते हुए बात करें तो टेम्परेचर जिसका कम होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा कम होगा, तो एडियाबेटिक का प्रेशर यहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये ग्राफ नीचे आने वाला है और आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर रहेगा, और जिसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा, मींस आइसोथर्मल का मैग्नीट्यूड वाइज वर्क डन यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपांशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम साइन के साथ बात करें साइन के साथ तो दोनों ही नेगेटिव होगा, बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो यहाँ पे आइसोथर्मल का वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा। अगर विद साइन पूछ लिया जाए तो विद साइन किसका वर्क डन ज्यादा होगा, विद साइन रिवर्सिबल का। राइट, आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, 100 जूल का वर्क डन कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज और 60 जूल का वर्क डन कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर साइन लगा दें 100 जूल और -60 जूल तो कौन ज्यादा हो जाएगा, -60 जूल वाला वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको मैग्नीट्यूड वाइज क्वेश्चन में गिवन है या विद साइन क्वेश्चन में गिवन है, तो वैसे ही आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इनके लिए फाइनल प्रेशर सिमिलर वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि फाइनल प्रेशर दोनों का सिमिलर रखना हो, तो फाइनल प्रेशर अगर दोनों का सिमिलर रखना है तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ हो गया, ये एडियाबेटिक का ग्राफ हो गया, तो फाइनल प्रेशर सिमिलर रखना है तो यहाँ पर दोनों का फाइनल प्रेशर सिमिलर रख दीजिए। तो फाइनल प्रेशर आपने सिमिलर रख दिया, ये आइसोथर्मल ये एडियाबेटिक एक्सपांशन का ग्राफ हो गया, तो यहाँ पे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं किसका वर्क यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, डेफिनेटली आइसोथर्मल का फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है फाइनल प्रेशर सेम रखते हुए। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए और ये कंपेरिजन क्लियर होना चाहिए कि किसका वर्क डन ज्यादा है किसका कम है, बट ये आपको रिविजन से ही सारी चीजें क्लियर होगी, जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे उतनी ही चीजें आपके माइंड को समझ में आने लगेगी।
चलिए अब अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्सपांशन समझ में आ गया है तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और कंप्रेशन वाले वर्क डन को कंपेयर कीजिए, कंप्रेशन में फाइनल टेम्परेचर कंपेयर कीजिए, कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम सिमिलर प्रेशर पे कंपेयर कीजिए, कंप्रेशन में फाइनल प्रेशर सिमिलर वॉल्यूम पर कंपेयर कीजिए। तो अगर आप एक्सपांशन वाला समझ गए तो कंप्रेशन वाला बहुत मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे। चलिए तो मैं पहले ड्रॉ करता हूं, मैंने ड्रॉ किया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे आइसोथर्मल कंप्रेशन रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल में इनिशियल टेम्परेचर किसके बराबर होगा, आइसोथर्मल का इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, आइसोथर्मल के फाइनल टेम्परेचर के बराबर होगा। तो यहाँ पे टी वन ऑफ आइसोथर्मल एंड टी टू ऑफ आइसोथर्मल आपस में क्या रहना है, बराबर रहना है, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है वहां पर, कॉन्स्टेंट है। अब यही बात हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बात करते हैं, हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन में वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव आप सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो हम एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन क्यू तो क्या होना है, यहाँ पर जीरो होना है, डेल्टा यू किसके बराबर, W के बराबर। तो W कैसा है कंप्रेशन में, पॉजिटिव। तो डेल्टा U भी कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा U पॉजिटिव होने का मींस क्या है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसका मींस फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन विल बी ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब यहां पर हम इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम रखते हैं, इनिशियली दोनों का टेम्परेचर सिमिलर रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इनिशियली अगर दोनों का टेम्परेचर सिमिलर है तो आइसोथर्मल का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना है, बट एडियाबेटिक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एडियाबेटिक का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा, ये अपने आप विवेक से सोचिए, थोड़ा सा सोचिए और ग्राफ को ड्रॉ कीजिए कि फाइनल ग्राफ यहाँ पे कहां पर आना चाहिए, वो एडियाबेटिक का ऊपर आना चाहिए नीचे आना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ग्राफ आपको और अच्छा दिखे। ठीक है, अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि यहाँ पर फाइनल जो एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ है वो ऊपर आएगा नीचे आएगा। अब सपोज मैंने ग्राफ यहाँ पे ऊपर बना दिया, फिर भी ऊपर बनाया चाहे नीचे बनाया हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि हमने क्या किया यहाँ पे, सपोज ग्राफ यहाँ पे बना दिया, मैं दोनों का फाइनल वॉल्यूम सिमिलर रखता हूँ। ठीक है, अगर दोनों का फाइनल वॉल्यूम सिमिलर है तो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर आप कंपेयर कर पाएंगे किसका ज्यादा होगा, यस, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर टी टू ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन टी टू ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में तो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना है, बट एडियाबेटिक में कंप्रेस कर रहे हैं आप, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर कंप्रेशन में आइसोथर्मल कंप्रेशन से ज्यादा होगा। ये भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस में ही कंपेयर कर रहे हैं और आपको केवल रिवर्सिबल प्रोसेस की चीजें पूछी जाने वाली है। तो टी टू ऑफ एडियाबेटिक कंप्रेशन विल बी ग्रेटर देन टी टू ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो सेम वॉल्यूम पर किसका प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो यहाँ पर जो ये टी टू ऑफ एडियाबेटिक, तो एक जो ग्राफ होगा वो एडियाबेटिक कंप्रेशन का होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये जो ग्राफ होगा वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए ग्राफ होगा। होपफुली ये आप समझ गए होंगे। तो एरिया अंडर द कर्व के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा, तो हम क्या बोल देंगे W ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन विल बी ग्रेटर देन W ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले या ना ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन में तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो अगर सेम वॉल्यूम रखते हुए, फॉर सेम वॉल्यूम अगर आप प्रेशर कंपेयर करें तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा। तो मैं क्या बोलूंगा, पी टू ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन पी टू ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम सेम प्रेशर के लिए बात करें, फॉर सेम प्रेशर के लिए अगर हम बात करें, तो अगर दोनों का प्रेशर सिमिलर है तो चलिए उसके लिए मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं, कि अगर सेम प्रेशर वाला ग्राफ हम ड्रॉ करें तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। वर्क डन किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस का ही ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे सेम क्या रखना है, आपको प्रेशर सेम रखना है। ठीक है, तो ये ग्राफ अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है तो ये ग्राफ प्रेशर सेम रखते हुए बना लीजिए, ये ग्राफ इसके लिए होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी चीजें सारी सबकी वही लेनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एडियाबेटिक का है, ये आइसोथर्मल का है, ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बना है। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से आएगा,
हालांकि आप उसको छोड़ दीजिए, बट आप कंपेरिजन देखें यहाँ पे किसका है, यहाँ पे प्रेशर सेम रखते हैं तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली एडियाबेटिक का। तो वी टू ऑफ एडियाबेटिक विल बी ग्रेटर देन वी टू ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये कंपैरिजन आपके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो चीजें आपके माइंड में प्रिंट आउट हो जाएगी। चलिए, इतनी सुंदर बात देखने के लिए बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ ऑल प्रोसेस सब प्रोसेस के वर्क डन का है। कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे जो हम कंपैरिजन देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, एक्सपांशन प्रोसेस का देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगेन सेम क्राइटेरिया के बेसिस पे सबको कंपेयर करेंगे। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे हम सबको कंपेयर करेंगे, तो कौन कौन से प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, चार प्रोसेस की हम बात करेंगे। तो अगर आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करें तो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम इस पॉइंट से मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो ये एक्सपांशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट, ये क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोबेरिक, ठीक है। यहां से अगर हम इधर मूव करें तो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वाला किसके लिए है, आइसोकोरिक, ठीक है। अभी हम देख चुके हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में कंपैरिजन देख चुके हैं, जब एक्सपांशन हो रहा हो तो यहाँ पे आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है कंपेयर टू एडियाबेटिक, तो ये किसके लिए होगा, आइसोथर्मल के लिए, एंड दिस वन इज फॉर एडियाबेटिक, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कंपेयर करें तो जिसका एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा है उसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप वर्क डन देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज मैं कंपेयर करूंगा तो W of isobaric will be greater than W of isothermal will be greater than W of adiabatic, right? मैग्नीट्यूड वाइज इसका वर्कडन क्या होगा, जीरो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्कडन क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर एडियाबेटिक पीवी डायग्राम फॉर डिफरेंट केस, डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए अगर आपको पीवी डायग्राम दे रखा है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा केस कौन सा किस केस के लिए कौन सा वाला ग्राफ है। तो ये बिल्कुल आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं, वो है स्लोप के बेसिस पर, कि अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें तो dp / dv आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या मिला, माइनस गामा P/V। तो जिसके लिए गामा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए तीन गैस के ग्राफ दे रखे हैं, तो जिसका स्लोप मोर नेगेटिव है उसके लिए गामा का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हीलियम के लिए आपको गामा का वैल्यू पता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है, 1.66। आपको H2 के लिए गामा का वैल्यू पता है 1.4 और SO3 के लिए गामा का वैल्यू आपको पता है कितना है, 1.33। तो जिसके लिए गामा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, मोर नेगेटिव। तो C वाला गैस क्या होगा, मोनोएटॉमिक होगा, हीलियम होगा। B क्या होगा, यहाँ पर H2 होगा, और A क्या होगा, यहाँ पर SO3 गैस होगा। तो गामा को कंपेयर करके आप यहाँ पे इनको स्लोप के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर भी आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, ग्रेटर द गामा ऑफ गैस, मोर नेगेटिव द स्लोप ऑफ गैस। इसके अलावा आप कुछ इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर पीवी गामा जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का ही ग्राफ है। तो पीवी गामा क्या होता है, के बराबर, तो पी क्या होगा, K/V/γ। अब जिसका गामा ज्यादा होगा उसका वी पावर गामा ज्यादा होगा और उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमने तीन स्लोप आपको दिए थे, तो जिसके गामा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वी पावर का वैल्यू, वी पावर गामा ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जिसका प्रेशर सबसे कम है उसके गामा का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे ये हीलियम गैस होगा, और जिसके लिए गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा है, सॉरी, जिसके लिए गामा का वैल्यू सबसे कम है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि पावर जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी प्रेशर का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा, पावर जितनी कम होगी प्रेशर का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे गामा सबसे कम जिसके लिए होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो ये किसके लिए होगा, SO3 गैस के लिए, और बीच वाला क्या होगा, H2 गैस के लिए, यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं जो जनरली मेंस लेवल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या आपको यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है, कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट गैस का मिक्सचर गिवन है तो उसके लिए सीवी गैस पूरी मिक्सचर के लिए आप सीवी कैसे निकालेंगे, तो सीवी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, N1CV1 N2CV2 N3CV3 / टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कीजिएगा। वैसे सीपी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो क्या होगा,
जितने भी टोटल मोल्स हैं उनसे डिवाइड कीजिएगा, और अगर आपको मिक्सचर का गामा निकालना है तो क्या होगा, सीपी ऑफ मिक्सचर और सीपी ऑफ मिक्सचर का रेशियो ले लीजिए। तो सीपी ऑफ मिक्सचर और सीपी ऑफ मिक्सचर का रेशियो लेंगे तो टोटल मोल्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, N1CP1 plus N2CP2 plus N3CP3 upon N1CP1 plus N2CP2 plus N3CP3। तो इस तरीके से आपको गामा ऑफ मिक्सचर या सीपी ऑफ मिक्सचर सीबी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मींस क्या है, गैस को रोकने वाला कोई नहीं हो, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो, यानी गैस का एक्सपेंशन जो है वैक्यूम में हो रहा हो। अगर गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन या आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। अभी इन दोनों में रिलेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन का मींस क्या होगा, पी एक्सटर्नल क्या हो गया, यहां पर जीरो हो गया। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो डब्ल्यू क्या होगा, यहां पर जीरो हो गया। तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अब यहां पर अगर एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन गिवन है तो क्यू क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस W के इक्वल। तो अगर Q जीरो है, W जीरो है, तो डेल्टा U भी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा U जीरो होने का मींस इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो कब होता है, जब प्रोसेस कैसा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इट मींस प्रोसेस इज आइसो थर्मल। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो है, और आपने डेल्टा एच भी पढ़ा है, डेल्टा यू क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी के बराबर। तो डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है तो एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन है तो W क्या हुआ, जीरो हुआ, Q क्या हुआ, जीरो हुआ, डेल्टा U क्या हुआ, जीरो हुआ, डेल्टा T भी क्या हुआ, जीरो हुआ, और डेल्टा H भी क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन में जीरो होने वाली है। अब इसको हम आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन मान के करें तो फ्री एक्सपेंशन मींस P एक्सटर्नल क्या हुआ, जीरो हुआ, इसका मींस W क्या होगा, जीरो होगा। अगर यहाँ पे आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो होगा। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। तो डेल्टा यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। मोर ओवर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच क्या होता है, एन सी वी डेल्टा, सॉरी एनसीपी डेल्टा टी के बराबर। तो डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा एच भी यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे देखिए फ्री एक्सपांशन है तो डब्ल्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, क्यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, सभी यहां पर जीरो है। तो चाहे आपको आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन गिवन हो या एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन गिवन हो, ये सभी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। या सिंपली आपको लिख दिया जाए फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपेंशन मींस रोकने वाला कोई नहीं है, तो वहां पे W जीरो तो रहने वाला है, उसके साथ इन दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस हो, ये सारी चीजें जीरो रहने वाली है। तो अगर आपको सिंपली फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो भी ये सब चीजें क्या रहने वाली है, जीरो रहने वाली है। तो बेटा यहाँ पे जो भी आज हमने पढ़ाया उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रैक्टिस ना हो। आज तक के लिए इतना ही काफी है, नमस्कार।